से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल फ्राई। चाय के साथ व्रत में खाने के लिए अगर कुछ बढ़िया सा स्नैक मिल जाए तो मजा आ जाता है ना। इसलिए आज हम बनाने वाले हैं स्पेशली व्रत के लिए साबूदाना और आलू की चकोली। आप चाहें तो इस चकोली को तुरंत बना के फ्राई कर सकते हैं या फिर इसे धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा कर स्टोर भी किया जा सकता है। जब भी मन करे निकालें, फ्राई करें और मजे लें इस टेस्टी से स्नैक के। तो चलिए चालू करते हैं साबूदाना चकोली। साबूदाना चकोली बनाने के लिए हमने 1 कप मोटे साबूदाने लिए हैं, जिसको हम छलनी में निकाल के छान लेंगे, जिससे कुछ पाउडर अगर इसमें है तो वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। साबूदाने धुलने के बाद में हम इसे एक बोल में निकालेंगे और जितना हमने साबूदाना लिया था उतना ही पानी डालकर इसको गला के रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप साबूदाना लिया था, तो हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसको भिगा के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 छोटे आलू कद्दूकस करके। इनको एकदम बारीक कद्दूकस करना है, इसमें बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर की हमने सबसे छोटी जाली यूज़ करी है कद्दूकस करने के लिए। मोटी वाली नहीं करनी है, एकदम छोटी वाली जाली से हमें इसे कद्दूकस करना है। साबूदाने भी अच्छे से गल चुके हैं। एक साबूदाने को दबा के देखने पर साबूदाना अच्छे से टूट जाना चाहिए। चकोली का आटा बनाने के लिए हमने गले हुए साबूदानों को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 कद्दूकस किए हुए आलू। आलू हमने छोटे ही लिए हैं। आलू की क्वांटिटी ज़्यादा होने से चकोली एकदम हार्ड हो जाती है, तो आलू छोटे ही लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप एक बार इसे डालकर ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। साबूदाने अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। साबूदाने को अच्छे से मैश करना है और मैश करके हम इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। साबूदाने अच्छे से मैश हो चुके हैं और चकोली का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे चकोली बनाते हैं। चकोली बनाने के लिए मैं ये चकोली की मशीन यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ में जो चकोली का अटैचमेंट आता है, हम वो वाला अटैचमेंट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इसकी जगह पर एक पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अंदर से अच्छे से तेल से ग्रीस कर देंगे। चकोली की मशीन तैयार हो गई है, तो चलिए अब हम आटे की तरफ चलते हैं। इसमें से हम करीब 1/3 पोर्शन लेके उसको एक सिलिंड्रिकल फॉर्म देंगे, जिससे हम उसे चकोली की मशीन में आराम से डाल सकें। चकोली को सुखाने के लिए हमने बटर पेपर का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी ग्रीस्ड प्लेट में उसे सुखा सकते हैं। अब हम इसे ऊपर से घुमाते हुए चकोली को निकाल के इसके एडजेस इस तरह से सील कर देंगे और इसी तरह से हम बाकी की चकोली भी तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे अभी भी फ्राई करके खा सकते हैं या फिर 2 से 3 दिन तक धूप में सुखा के स्टोर भी किया जा सकता है। चकोली हमारी तैयार हो गई है। हम इसे 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छे से पूरा ड्राई होने तक सुखा लेंगे। इसको पूरी तरह सूखने में लगे हैं 3 दिन और ये अब अच्छे से ड्राई हो चुकी है, तो अब हम जल्दी से इसे फ्राई करते हैं। इसको हमें मीडियम से स्लो फ्लेम पर हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है।
तो तैयार है हमारी क्रिस्पी साबुदाना चकोली। धूप में सूखी हुई चकोली को आप 8 से 10 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बना के स्टोर करके रखें और जब भी मन करे तब फ्राई करें और मज़े लें इस क्रिस्पी चकोली के।